पर्यटकों की सुविधा के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने फतेहपुर सीकरी और अकबर के मकबरे पर बच्चों के लिए बेबी फीडिंग सेंटर का निर्माण किया है। बता दें कि इस अवसर पर पुरातत्व विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पुरातत्व विभाग ने फतेहपुर सीकरी और अकबर के मकबरे पर महिला पर्यटकों की सुविधाओं के लिए बेबी फीडिंग सेंटर का निर्माण किया, जिसके चलते फतेहपुर सीकरी और अकबर का मकबरा घूमने आई महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सके। वहीं इस दौरान पुरातत्व विभाग अधीक्षण बसंत कुमार सुणकार सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। एएसआई प्रतिबद्ध है कि स्मारकों पर सभी दर्शकों के सभी वर्गों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके, जैसे कि दिव्यांगों के लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था है। उसी प्रकार स्मारकों पर नवजात शिशुओं का देखभाल करने के लिए माताओं की सुविधा हेतु चाइल्ड केयर या बेबी फीडिंग रूम जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सबसे पहले विश्व में ताजमहल में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई थी एएसआई आगरा सर्किल के द्वारा, उसके बाद आगरा किले में ये सुविधा उपलब्ध कराई गई और आज इस क्रम में जो तीसरा विश्वदाय स्मारक है फतेहपुर सीकरी और अकबर का मकबरा सिकंदरा, इनमें भी आज ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, ताकि माताएं जो है दिन भर जब अपने स्मारकों के दर्शन के लिए निकलते हैं, बीच में उन्हें आवश्यकता होती है तो इस सुविधा का लाभ उठाते हुए वो बच्चों को फीड करा सकते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए फैजान अहमद की रिपोर्ट।